सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो देसाई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें बात करने वाला हूँ दो नए स्मार्टफोन की कॉम्प्रोमाइज, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन विनर्स होगा मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फुल स्पेस और फुल फीचर्स में बात करेंगे हम। दोस्तों, आपको शायद मालूम होगा सैमसंग का F41 फिलहाल ही में 2-3 दिन पहले ही इंडिया में रिलीज हुआ है। तो आज हम सैमसंग गैलेक्सी F41 और एक महीने पहले लॉन्च हुआ था M31S, इन दोनों स्मार्टफोन की कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन विनर्स निकल कर आता है और कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक, सभी फीचर्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को इसके लिए लास्ट तक देखना होगा। हेलो गाइस, मैं हूँ देसाई, हमेशा की तरह टेक्नो देसाई यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो M31 के अंदर आपको 6.5 इंच का फ्लैश डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आपको इन्फिनिट ओ डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 1080x2400 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। और वही F41 की बात करो तो F41 में सैमसंग गैलेक्सी M41 के अंदर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1080x2340 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में थोड़ा बहुत फर्क नज़र आता दिख रहा है, यानी 6.5 इंच का डिस्प्ले M31 के अंदर और F41 के अंदर 6.4 इंच का डिस्प्ले, थोड़ा बहुत लाइट फर्क दिख रहा है, बाकी सब यहाँ पर एक जैसा ही समान नज़र आता है। दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की बात करूँ तो दो सैमसंग एक्जिनोस 9611 जो कि ओक्टा को 2.3 गिग्स के साथ ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। सैमसंग का पुराना एक्जिनोस 9611 दोनों स्मार्टफोन के अंदर सेम ही देखने को मिल जाता है, हालांकि थोड़ा बहुत पुराना है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्रदान करता है। ये दोनों स्मार्टफोन के अंदर सेम ही प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। वही बैटरी की बात करो तो आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M31S के अंदर। वही F41 की बात करो तो 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ में आपको 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर बैटरी के मामले में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ फास्ट चार्जर के अंदर आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। वही फ्रेंड्स, इस बात करूँ इस दोनों स्मार्टफोन के कैमरा परफॉर्मेंस की तो M31 के अंदर बैक साइड में 4 रियल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको ड्यूल फ्लैश भी देखने को मिल जाते हैं। और वही F41 की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर बैक साइड के अंदर ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो 64+8+5 विद ड्यूल LED फ्लैश भी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाती है। और वही दोस्तों, इस स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो F41 के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, वही M31S के अंदर भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको फ्रंट कैमरा सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन बैक साइड के अंदर आपको रात दिन का फर्क नज़र आता दिख रहा है, यानी एक स्मार्टफोन के अंदर 4 रियल कैमरा देखने को मिल जाता है, वही दूसरे स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वही बात करूँ इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स की तो इसके अंदर आपको USB Type-C मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन के अंदर, और 3.5mm ऑडियो जैक, हेडफोन जैक भी मिल जाता है। और वही फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करो तो M31S के अंदर आपको
मिलेगा, इन डिस्प्ले फिगर प्रिंट इसके अंदर मिलता है, और वही F41 स्मार्टफोन के अंदर आपको बैक साइड के अंदर रियल फिगर प्रिंट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन में बहुत अंतर है। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले एक स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिगर प्रिंट इसके अंदर मिल रहे हैं, और दूसरे स्मार्टफोन में बैक साइड के अंदर रियल फिंगर आपको देखने को मिल जाता है। और वही अन्य फीचर्स बात करें अगर रैम और स्टोरेज की, तो इस आपको M31S के अंदर 6GB रैम और 128GB वेरिएंट के प्राइस की बात करो तो 19,499 रुपये के अंदर यह स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और वही F41 स्मार्टफोन आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको 20,999 रुपये के अंदर मिल रहा है। तो दोनों दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम चल गया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है प्राइस के मामले में और स्टोरेज और फीचर्स के मामले में, कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर फुल स्पेस और फुल फीचर्स के अंदर बताया है। दोस्तों अगर मैं होता यहाँ पर, अगर मैं इस दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन खरीदता तो सैमसंग गैलेक्सी M31S ही खरीदता, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बढ़िया डिस्प्ले मिलता है और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 25 वोल्ट चार्जर मिलता है, और इसके अंदर आपको बैक साइड के अंदर 4 रियल कैमरा देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बढ़िया हाई क्वालिटी का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले कि अगर आप इसमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करेंगे, और स्मार्टफोन को देखना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी इस स्मार्टफोन को कोई ऑफर में खरीदना चाहते हैं तो इस 15 अक्टूबर से एक बिग बिलियन सेल शुरू हो रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर, तो वहां जाकर आप भारी डिस्काउंट के साथ ये दोनों स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, जिसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 आपको मिल रहा है सिर्फ 15,000 रुपये में देखने को मिलेगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह के मैं वीडियो आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोश के साथ, एक अगले नए जोश के साथ और नए स्पेसिफिकेशन स्मार्टफोन के साथ मिलता हूँ। तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।